अच्छा ये आप बताएं कि आपका जो ड्रामा है जिसका नाम है तुम बिन कैसे जी हैं, जो कि कल यानी 13 फेब से शुरू हो रहा है और 7 दिन लोग देखेंगे, इस ड्रामे की तैयारी आप लोगों ने कैसे की? क्या आप लोगों ने अपने खाने पीने की चीजें छोड़ दी? क्या इसके वार्डरोब पे तवज्जो दी? अपने लाइक फिजिकल अपीयरेंस के आप लोग इसमें इतने अच्छे लगे जैसे कि प्रोमोज में लग रहे हैं, उसके लिए आपने क्या मेहनत की है, जरा मुझे ये तो बताइए। एक जो मेन प्रोमो था हमारा, हम तीनों का जो था, उसमें तो ये था कि उसमें तो हीरो वाली फील आनी चाहिए। हाँ। उसके लिए तैयारी बिल्कुल अलग थी, लेकिन ड्रामे के लिए ये था कि एक मिडिल क्लास फैमिली है, कोई इतनी अमीर भी नहीं है, उसके लिए नॉर्मल से कपड़े हों जैसे यंग लड़कों के होते हैं, ओपन शर्ट्स होती हैं, बटन शर्ट्स होती हैं, टी शर्ट्स होती हैं, उस तरह की जैसे घर में हम नॉर्मल होते हैं, जैसे यंग लड़के होते हैं, जैसे मिडिल लाइफ में, तो वही कि हमने किया। कोई ज्यादा हमने ये नहीं दिखाया कि बहुत अमीर है। नहीं, वेट होता ना, कोई फिल्म या कोई ड्रामा कोई भी शुरू होने वाली तो उसके लिए आप तैयारी करते हैं, अपना वेट रिड्यूस करते हैं, या फिर होता है ना कि जैसे बालों का हेयर स्टाइल का कुछ चेंज होता है, कलर चेंज करते हैं, कोई ऐसी चीज़? देखिए लड़कों के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारी बियर्ड है, उसको हमने मेंटेन रखना होता है, क्योंकि कंटिन्यूटी में इतना फर्क आता है कि वो जो ट्रिमर यूज कर रहे होते हैं, हमें पता होता है यार इतना ट्रिमर यूज करना है, उस सीन में हम लोग उनकी बियर्ड इतनी थी, वेट आपको मेंटेन करना होता है क्योंकि ये हम लोग लास्ट मार्च से शूट कर रहे हैं, कंटिन्यूटी हो जाती है ना, फंस जाते हैं तो आप वेट गेन नहीं कर सकते। इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं, बाकी सबके लिए, हर प्रोजेक्ट तुमने कुछ चेंज किया इसके अंदर, कुछ बालों में का कलर चेंज किया था और वार्डरोब थोड़ा सा डिफरेंट किया है। इसमें बालों का कलर यही है जो अभी तुम्हारा है? जी जी, हाँ थोड़ा सा, बिकॉज़ लास्ट जो मेरा प्ले था उसमें मेरे जेट ब्लैक बाल थे, इसीलिए जब मैं लाइट करवाने गई थी तो बाल खराब हो गए। तो आप कपड़ों पर काम करते हैं, लुक्स पर, मेकअप, क्योंकि मिडिल क्लास एंड शी इज क्राइंग ऑल द टाइम, तो इतना मेकअप नहीं चाहिए होता है, नॉर्मल चप्पल है तो वो उनके वाली बात, एक मिडिल क्लास घर की कहानी है तो इतना लविश नहीं है, तो ज्यादा जो हमारे पास करने के लिए था वो परफॉर्मेंस थी। हाँ। उससे हमने ज्यादा किया है। मेरी जो बहन का किरदार जिन्होंने किया सुमैया ने, उसके पास मार्जिन था कि वो थोड़ा मेकअप कर लें या चीज़ें कर लें, उन्होंने किया है। तो जुनेद का डिफरेंट था, हमाद का बिल्कुल डिफरेंट था, तो सबके आपको चेंजेस दिखेंगे, नजर आएंगे।